हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी जेई की जो वैकेंसी है वो कब तक आने वाली है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आरआरबी जेई की वैकेंसी का माहौल बना हुआ है और अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। क्या वैकेंसी सच में आने वाली है 2023 में और कब तक आने वाली है? मैं जो आपको डेट और जो मंथ बताऊंगा, मंथ में डिस्कस कर रहे होंगे, एक्सपेक्टेड है कि 99.99% उस मंथ में आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। उसके पीछे मैं रीजन भी बता रहा हूँगा और लगभग कितनी वैकेंसी आएंगी वो भी बता रहा हूँगा मैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज रिगार्डिंग इंजीनियरिंग। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आरआरबी जेई की कितनी वैकेंसी आने वाली है, तो देखो ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ 24 मार्च को, ठीक है, 24 मार्च 2023 को। और कल ही एक जो रिप्लाई का एक आरटीआई का जवाब आया है रेलवे की तरफ से। अगर रेलवे में ग्रुप सी की वैकेंसी देख लूँ, ग्रुप सी में जेई के अलावा और भी वैकेंसी होती है, अगर मैं उन वैकेंसीज को सभी को देख लूँ तो ग्रुप सी में जो उनके ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी खाली है वो मेरे भाई 312,895 वैकेंसी खाली हैं। मतलब ग्रुप सी पे इतने बच्चे रिक्रूट किए जाएंगे, ठीक है। इनमें से आप एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो भी रिक्रूटमेंट बाकी है उन्हें घटा दो तो फिर भी आपका लगभग 170,000 वैकेंसी बचती हैं। अब आपकी आरआरबी जेई की कितनी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि आरआरबी जेई की उन्होंने कुछ दिन पहले एक अलग से नोटिस आया था जिसमें कि मांग की गई है जो आपकी जेई की वैकेंसी है, जो आपकी जेई की वैकेंसी है वो लगभग 20,000 और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की लगभग 20,000 वैकेंसी की मांग की गई है रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा। तो ये समझिए, रेलवे मिनिस्ट्री से ये समझिए कि आपकी जो वैकेंसी आने वाली है आरआरबी जेई की वो कम से कम कितना भी बैड सिचुएशन आप सिनेरियो लेके चल लो 15,000 से कम नहीं आएंगी जेई की। हाँ, आपकी जो सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग की वैकेंसी आएंगी वो 10,000 की समथिंग हो सकती है, लेकिन जो जेई की वैकेंसी है वो या तो आपकी 15,000 आएंगी या 15,000 प्लस वैकेंसी आएंगी, ये 100% आप मान के चलो। और इतनी ही वैकेंसी आएंगी, ये मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, 15,000 प्लस जेई की वैकेंसी है और 10,000 के समथिंग आपकी सीनियर सेक्शन इंजीनियर की, जिन लोगों ने बीटेक किया है वो अप्लाई कर पाएंगे सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए। साथ ही में अब हम बात करते हैं कि ये कब तक आने वाली है, तो देखो अभी जो अप्रैल है, अप्रैल के एंड तक इनकी जो एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी ना उनका फुलफिलमेंट करना है और ये बोल रहे हैं कि ये ग्रुप डी भी करा देंगे अप्रैल के एंड तक, मतलब कि ज्वाइनिंग दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, चाहिए कितना ही फास्ट प्रोसेस काम कर लें, आपका मई जाना है, अप्रैल मई जाना है, तो जो आपकी वैकेंसी आने वाली है वो जुलाई में, जुलाई के एंड तक आ जाएंगी। इस बात को मैं 100% बोल रहा हूँ, जुलाई मंथ में आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। 0.01% ऐसा हो सकता है कि जुलाई में ना आके अगस्त में आए, बट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मंथ है वो है जुलाई और जुलाई में आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। देखो मैं वैकेंसीज पे और जुलाई मंथ पहले भी एक वीडियो में बता चुका था, लेकिन एक नई वीडियो बनाने का मतलब भी ये है, मैंने क्यों एक अलग से वीडियो बनाई है वो मैं बता देता हूँ। मैंने कुछ लोगों से बात की है, कुछ लोगों से मतलब कि मेरे चैनल को ही फॉलो करते हैं, उनसे मैं पर्सनली टच में हूँ, उनसे मैंने बात की, वो आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं और मेरी बात हो रही थी 2-3 दिन पहले ही। उन्होंने बोला कि अभी, मैंने पूछा क्या कर रहे हो, कि अभी तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। मैंने क्यों, कि अभी वैकेंसी का तो कोई पता नहीं है, लेकिन भाई जो बच्चे इस वक्त टाइम पास कर रहे हैं ना, मैंने सोचा अगर वो लोग अभी पढ़ने में मन नहीं लग रहे, वो कह रहे हैं कैसे मोटिवेशन नहीं आ रही क्योंकि वैकेंसी नहीं है। वो बात सही है, आई एम टोटली एग्री विद यू, बट यार मोटिवेशन का कोई मतलब नहीं बनेगा अगर आपका कल कुछ सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको आज मोटिवेशन नहीं मिल रही है, आज आपके अंदर एनर्जी नहीं आ रही है पढ़ने की, तो ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करने वाली बात है, क्योंकि आपको पता है इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी आएंगी और इलेक्शन से पहले आपका एग्जाम भी होगा, इलेक्शन है इसी वजह से वैकेंसी आ रही है इतनी, वरना इतनी वैकेंसी आती भी नहीं। आप एसएससी डिपार्टमेंट देख लो या कोई भी डिपार्टमेंट देख लो, वैकेंसी भर भर के आ रही है। तो ये टाइम ऐसे नहीं है कि वैकेंसी आएंगी नोटिफिकेशन आएगा तभी से आपके अंदर एनर्जी आएगी। भाई अगर अभी आप कम से कम 6 घंटे तो दीजिए जब नोटिफिकेशन आ जाए, जब सर्कुलर जारी हो जाए, जब ज़्यादा पढ़ना, लेकिन 6 घंटे कम से कम अभी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रखिए। आप बिल्कुल भी लिथार्जिक मत होइए, मोटिवेट रहिए, एनर्जेटिक रहिए, और ये जुलाई अगस्त में आपकी जो वैकेंसी आएंगी ना, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में आ जाएंगी। तो इससे ये देख लो कि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्दी पेपर होना है, पेपर इसका इलेक्शन से पहले हो जाएगा, जो 2024 का इलेक्शन होना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे पहले इसका पेपर हो जाएगा। तो बस यही, ये वीडियो का बनाने का मोटिव मेरा आपको एक्सपेक्टेड मंथ बताना नहीं था, इस वीडियो का मोटिव बस वही है कि अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है, तो मेरे भाई प्लीज़ पढ़ लीजिए, वरना जो बच्चे इस वक्त आज पढ़ रहे हैं, इस टाइम पे पढ़ रहे हैं जब वैकेंसी भी नहीं है लेकिन वो पढ़ने से लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे आगे निकल जाएंगे। और वो एक बात है कि जब आप नहीं पढ़ रहे हो तब कोई ना कोई तो पढ़ रहा होगा, और जिस दिन आप उससे मिलोगे वो जीत जाएगा। तो ये अपने ऊपर कह लीजिए कि जब कोई नहीं पढ़ रहा, जब आप पढ़ रहे होंगे और जब आप उससे मिलोगे या जब एग्जाम होगा तो आप जीत जाओगे।
तो बस वही है, एक सिलेक्शन लेने वाले बंदे में और एक नॉन सिलेक्टेड बंदे में यही फर्क होता है। ऐसा नहीं है कि होशियार या आईक्यू लेवल का ज्यादा डिफरेंस होता है, डिफरेंस बस वही होता है कि वो बंदा धीरे धीरे पढ़ रहा होता है और अच्छे से पढ़ रहा होता है, मतलब एक स्टडी चाल चल रहा होता है, एक स्टडी की तरह से चल रहा है, धीरे कम पढ़ रहा है बट डेली पढ़ रहा है। और जो एक जिसका सिलेक्शन नहीं होता, जो सिलेक्शन से बाहर हो जाता है, कहीं ना कहीं वो जब सर्कुलर जारी हो जाता है, जब पेपर के मंथ बहुत नियर बाई आ जाते हैं, तब पढ़ना स्टार्ट करता है, उतना कवर नहीं कर पाता है। तो ये एक रीजन होता है, वरना ऐसा नहीं है कि आपके अंदर आई एक सिलेक्टिव बंदे के अंदर ज्यादा आईक्यू होता है और एक नॉन सिलेक्टेड बंदे के अंदर कम आईक्यू होता है, ऐसा नहीं है। बस वही है कि कौन कंसिस्टेंट रहता है, कौन परसिस्टेंट रहता है, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। और इंस्टीट्यूट जब आपके पास कोई सर्कुलर नहीं है, जब आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और देखो SSC JEE का तो सर्कुलर है ना, SSC JEE तो होना ही है ना, कहीं तो कहीं ना कहीं SSC JEE को लेके पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो मेरे भाई। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में।